हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? पाखी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई थी, तो वही अभी मैं खोल के देख रही थी। ये मांटू की जैकेट है, काफ़ी अच्छी लगी। स्वेट शर्ट है, मतलब कि अच्छा लगा, मतलब क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, कलर भी इसका जैसे मैंने देखा था सेम वैसा ही है। तो अभी मैं ये खोल के देख रही थी और आज मैं बाहर बैठी हूँ, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ नहीं बैठी हूँ, पता है। एक तो सबसे ज़्यादा डर इसका ये है कि जो दीवार है ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये पीछे की दीवार बिल्कुल हिल रही है। आप ऊपर से देख भी रहे होंगे, बिल्कुल जोड़ इसका ना हट रहा है। तो ये सारे पार्सल मैंने खोल के रखे और अभी जो है मैं ये बेड में से कुछ सामान निकाल रही हूँ और ये बेड जो है वो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है सच में यार। इस टाइम पे बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ही दिक्कतें। सुना तो था कि घर बनाने में बहुत परेशानी आती हैं, पर जो झेल रहे हैं ना वो सच में है परेशानी तो सच्ची। तो अब ये यहाँ से जो है बेड हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे बेड में ना चूहियाँ घुस गई हैं और आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो, सामान रहता है देखिए बेड के अंदर भी बहुत। तो वही यहाँ से बेड हटाया, ताइजियर के वहाँ पे रख दिया है, और ये सामान जो है वो भी मैं साइड में कुकर के सारा लगा दूँगी। और भी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ में व्लॉग में शेयर करूंगी ही। तो फिलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल करने की चीज़ें, और जो इस्तेमाल करने की चीज़ें नहीं हैं, जो यूज़ में नहीं आ रही हैं, उनको अच्छे से लगा के रख देती हूँ। तो अभी ये सारा सब कुछ करने के बाद में अभी देखें, मेरे सारे बर्तन भी इधर वाले रूम में सारे बर्तन ऐसे ही हैं, सुबह से बर्तन भी साफ़ नहीं हो पाए हैं। वो सारी चीज़ें तो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी ही। और हमने आज सुबह से खाना तक भी नहीं खाया है, सुबह में ही खाई थी एक एक या डेढ़ डेढ़ रोटी खाई होगी, और इन्होंने तो मुझे से लगाया आज दूध में ही है, दूध ही पिया है सुबह से और कुछ भी नहीं। तो जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है मैं यहाँ पे भी, और मतलब वहाँ पे ना अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँगी, काफ़ी हद तक जो है वो घर तैयार हो गया है, मतलब कि काफ़ी हद तक, यानी कि लेंटर डालने तक का। तो अभी वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पे रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पे, और सारा सामान जो है हमारा मेरी अलमारी में, मुझे यहाँ से फिर ये सारा सामान उठा के रखना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चूही हैं, इतनी सारे चूहे चूही हैं, मेरे बेड में भी घुस गए, अलमारी में भी, क्योंकि मकान मैंने आप लोगों को बताया था कि ये घर जो था ना वो बंद था, जिस वजह से चूहीं अलमारी में भी, बक्सा जो इसमें मैंने कपड़े रखे हैं वो भी, तो मुझे यहाँ से सारा सामान हटाना पड़ा। फिर बेड के नीचे से तो ना इतना लकड़ी का वो निकला है, नीचे से पन्नी भी सारी चूहों ने काट दी है, तो बहुत बुरा आतंक मचाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी मेरी ना सेफ का लॉक लॉक जो है अलमारी का वो ख़राब हो रहा है, तो चूहीं जो है वो नीचे को घुसती इसमें। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कागज़ वागज सारे मेरे भी, डॉक्यूमेंट्स और इनके भी सब उसी में रखे हुए थे। तो मैंने वो ताइजियर के वहाँ अलमारी भी रखवा दी, बेड भी रखवा दिया, और बस जो सामान यहाँ पे है वो हम जितना, मतलब कि ये है कि चूही हुई का डर नहीं रहेगा जितना, उतना हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और बाकी का जो खाने पीने का सामान है हमें अपने ही घर में रखना पड़ेगा। क्योंकि एक और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं पहले यहाँ पे ना बाहर बैठ के बर्तन साफ़ कर रही थी, पर इन्होंने इस घर में ना कोई पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है कि पानी कहाँ को जाए, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के घर के सामने ऐसे पानी डालें या बर्तनों का पानी, तो वो जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। या तो फिर ऐसा बंदोबस्त हो कि पानी जो है वो बाहर जाने का रास्ता सही हो, तो यहाँ पे ना कोई रास्ता नहीं है, पानी जाने का कोई बाहर रास्ता नहीं है, और जो सामने घर है ना उनके मेन गेट के सामने पानी जाता है, और देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि बर्तनों का और हमारी जो झूठन है वो उनके घर के सामने। देखिए सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने घर का बाहर का एरिया साफ़ करते हैं, तो बर्तन मेरे सुबह से बर्तन इसीलिए साफ़ नहीं हुए हैं। मैं इनसे बोल रही हूँ कि कहीं तसले वसले में भर दे, तो फिर मैं कहाँ बर्तन साफ़ करूँगी, तो बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पे तो मिट्टी है, तो मिट्टी पे भी पानी डाल सकते हैं। अभी इस टाइम पे ना
बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते नहीं कि सफ़र कर रहे हैं, तो हम वही वाला सफ़र हमारा चल रहा है। पर मेरे मेन वो है कि सामान सेफ रखा जाए। हम तो फिर भी अपना, क्योंकि हमें तो अपने घर में ही रहना है ना, हमें तो वो है खाने पीने का सामान हो, दो चार पाई डल जाए। ट्यूशन का टाइम हो गया बेटा। वही लाला हाँ पापा छोड़ के चले गए, सीढ़ी पे उठा के ले गए, मैं तो पापा चिल्ला रहा, पापा पापा कहीं और है। चलो बैग ले जाओ, इसमें से लंच बॉक्स बहुत कर लूँगा, तुम्हारे बैग में नोट आ गए तो अपनी बुक ले लो फिर जोन से लेके जानी। तो वही सारी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं। हम कई दिन से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। बर्तन साफ तो आज सुबह से मेरे नहीं हो पाए हैं। अब तसले बर्तन भरवाए हैं, अब वो वहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पानी वानी भी नहीं है ना। हमने जैसे तैसे करके पानी की व्यवस्था की थी, पर वही वाला सच में यार, बोलने वाले तो ना मतलब कुछ ही चुनिंदा लोग कुछ अटपटी सी चीजें बोल देते हैं कि आप तो ये करती हो, आपको तो कुछ काम नहीं है, आप तो इधर से उधर करती रहती हो। पर मुझे ही पता है ना कि कैसे कैसे क्या चीजें चल रही हैं। बिल्कुल भी इजी नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करना जो हम कर रहे हैं। आज हमने दोपहर से खाना पीना भी नहीं खाया, सुबह रोटी बनी थी वो ही खाई गई थी, क्योंकि बर्तन साफ किए हुए नहीं है। और बाय बेटा, अभी जा रहे हैं अपना, वहीं पे देखेंगे, बर्तन साफ करूंगी, वहीं पे खाना बना लूंगी। सामान कुछ भी नहीं, मतलब सामान ना ले जाना है, जो मतलब यहाँ पे चूहों का जिस सामान का डर था वो सामान मैंने यहाँ से रखवा दिया है फिलहाल। तो अभी हम आए हैं घर पे अपने, और जो सुकून अपने घर में है वो कहीं नहीं है और काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें काम हो गया है। आज ना सारे जोड़ी वोड़ी सब खड़ी हो गई, अब तो अंधेरा हो रहा है, अब नहीं कुछ भी दिखने का। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये वाला ना, एक ये कमरा हो गया इधर, ये हमारा वॉशिंग एरिया, ये वॉशरूम, बाहर का रास्ता हो गया ये, बाहर हो गया जिन्ना हो रहा है ना, ऊपर ये हमने स्टोर रूम बनवाया है ऊपर, और ये हमने अपना रूम तैयार कर लिया, इसमें हम आराम से रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इस पे यहाँ पे रख लेंगे अपना खाने पोने का सामान, है ना, जहाँ सामान सब वहीं पे है, सामान और कुछ नहीं, बस यहाँ पे खाने पोने का, और अपना दो चार पाई डाल लेंगे, एक यारी एक यहाँ डाल लेंगे, और बस और कुछ नहीं। यहाँ पे एक पर्दा लगा लेंगे तो उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अभी यहाँ पे चाय जो है वो हमारी उबल रही है, अच्छे से उबल जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और फिर खाने पीने का देखते हैं। पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, यार रूम में अभी कुछ भी काम नहीं होगा, तो ये है कि हमारा खाना पीना हो जाएगा। और इनका ना, मैं वहाँ रहती हूँ तो इनका फिर पूरा ध्यान वहाँ पे रहता है। मैंने कहा इससे तो हम यहीं रह लेंगे, कम से कम काम तो अच्छे से होगा, इधर उधर दिमाग तो नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर यहाँ रहते हैं तो वहाँ की टेंशन। तो फिर इसीलिए हमने कहा चलो थोड़ा सा हो गया, जो डर था ना सबसे ज़्यादा वो लेंटर का ही था, वो काम हो चुका है, उसमें कोई डरना है नहीं। तो कमरे में हम आराम से बैठ करके अपना खाना पीना हम बना सकते हैं। बहुत ऊंची हो गई, अब छत देखो पंखा कहाँ जा लिया 2 फुट 2.5 फुट लेंटर उठा है हमारा ऊपर को, और वो ईंटें भी लगा दी हैं ऊपर ना। अभी बन रही है चाय, और हम चाय पी के मैं सारे सोची कि एक बार सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ, पूरा टोकरा जो बर्तन है ना। बेटा वहां बैठ, इस पर ना बैठे, वहीं बैठ, चार पाई पे बैग कहाँ रखे रखा, तो सुबह को नहा के वहीं लेना, पानी वहीं गर्म हो जाएगा, वहीं नहा दिया।
अभी खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। सारे बर्तन मैंने बाहर इकट्ठे कर लिए हैं। बर्तनों का टोकरा नहीं आया है तो वो टोकरा लेने के लिए भी गए हैं। तो मैं ये है कि मैं सारे बर्तन साफ कर दूँ और फिर जो है वो हो जाएगा। दूध गर्म करना है फिर, और इस पे एक कपड़ा मंगाऊंगी, वो गीला कपड़ा। इस पे ना पूरी जो ये पन्नी सी बिछाई उस पे साफ सा हो जाएगा। सुबह के लिए मंटू के लिए पानी वानी हम उधर ही लगा देंगे गरम, और जो उसका स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है, सब वहीं रख देंगे। तो सुबह वो रेडी वहाँ हो जाएगी और खाना पीना मैं अपना यहाँ बना लूँगी। सच में यार, जो देखता है ना और जो करता है उसी को पता होता है असल में सिचुएशन क्या है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, और क्योंकि देखिए व्लॉग्स होते ही वो हैं कि अपनी लाइफ का हर एक पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए, है ना। बोलने का तो क्या है, क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं मुझे और कि अच्छे उसमें ही आते हैं, पर मैं ये बोलूँगी कि बस मेरी सिचुएशन और मेरी जो स्थिति इस टाइम पे चल रही है। देखिए घर बनाने में शायद सभी को मुश्किलें आती हैं, मुझे ही कोई नई नहीं आ रही है। बस ये होता है कि किसी के पास रहने का वो होता हो तो वो है, और मेरे पास रहने का कोई वो नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सामान सेफ रखा जाए बस। और अभी कपड़े कल धुलेंगे, कल मैं मशीन लगवाऊंगी, कल कपड़े धुल जाएंगे। फिर हम कपड़े ना जोड़ेंगे नहीं, साथ के साथ में इनको धुलते रहेंगे। फिर ये नहीं इकट्ठे कर लिए तो कल कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी मैं सारे बर्तन साफ करके बर्तनों का टोकरा यहीं पे रख लूँगी। मांटू का सुबह के नाश्ते के लिए तैयारी अभी करके रखूँगी। आलू गोभी है तो देखते हैं, सुबह आलू गोभी बना दूँगी सूखी सी, और दो पराठे उसके। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और नेक्स्ट डे कल ना हमारे यहाँ पे वो होगी, कल सेटरिंग का काम होगा, यानी कि कल सेटरिंग हो जाएगी और परसों लेंटर डल जाएगा। बस लेंटर डलने के बाद में फिर ज़्यादा वो नहीं है, जब लेंटर डल जाएगा फिर होगा स्टार्ट उस वाले रूम का, इस वाले रूम का, क्योंकि हमें ना ये सब निकलवाने हैं। ये जो बन रही है ना सारी अलमीरा, ये सब निकलवानी है। तो बस ये काम स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद में तो। और ये सारा बाहर का ना मलबा जितना भी इकट्ठा हो रहा है, ये बहुत इकट्ठा हो रहा है, तो कल उनको बुला के ये सारा भी यहाँ से हटवा देंगे। तो ये है कि थोड़ा बहुत ना खाली खाली सा हो जाएगा, चलने फिरने के लिए जगह हो जाएगी। तो चलो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं आप लोगों के साथ में छोटी से छोटी चीज़ शेयर करती रहूँगी। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में ये सब चीज़ें शेयर करना। ये भी ना पूरी मकान बनने की जर्नी भी मैंने रिकॉर्ड की है, इसको भी मैं बाद में देखूंगी जब मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा, जब मैं एक जगह बिल्कुल सेट हो जाऊंगी अपने इस घर में। फिर नहीं रहेगा ये इधर उधर यहाँ जाना वहाँ जाना, है ना। अपने घर में फिर मेरा सामान अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि संतुष्टि होगी उस दिन मुझे। फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। फिर तो मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सेट करूँगी सारे ही। तो चलो जी, इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बात करते करते 3-4 मिनट फिर से बात कर डाली।